Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Namaskar, main hu Ravi Sharma aur aap dekh rahe hain First Bite TV. 400 पार का नारा लेकर Lok Sabha चुनाव मैदान में उतरी भाजपा के सामने अपनों ने ही बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और के हालात में भाजपा को बुरी तरह से झकझोर दिया है। भाजपा गठबंधन की जीत का एक बड़ा आधार वह यूपी है, जहां के कई सीटों पर बगावत के सुर ज्वालामुखी बन चुके हैं। चौबीसी ठाकुर के बाद त्यागी अपनी उपेक्षा की बात कहते हुए भाजपा के बहिष्कार को हवा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वर्ग भी भाजपा से नाराज है। यह नाराजगी टिकट न मिलने को लेकर के है। मुजफ्फरनगर सीट से भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान की खुली खिलाफत का रंग पथराव की घटना के बाद सामने आ चुका है। संगीत सोम और संजीव बालियान में चल रही एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली मूछों की लड़ाई के बीच ठाकुर चौबीसी द्वारा 16 अप्रैल को बुलाई गई महापंचायत ने पार्टी की नींद उड़ा दी है। डैमेज कंट्रोल के लिए योगी की सरधना विधानसभा क्षेत्र के राधना में सभा जरूर हुई, लेकिन इस सभा के बाद तो संजीव बालियान का खुला विरोध सामने आया वह सार्वजनिक है। डैमेज कंट्रोल की ही इस कड़ी में निवर्तमान मंत्री सुनील भराला को मंच पर बुलाना भी चौंकाने जैसा ही रहा। दरअसल सुनील भराला मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से टिकट चाहने वालों में प्रबल दावेदार थे। टिकट तो नहीं मिला, अलबत्ता सुनील भराला को बिजनौर का दायित्व दे दिया गया। मेरठ में ब्राह्मणों व त्यागी समाज के वोटों की संख्या अधिक होने के बावजूद यहाँ वैश्य बिरादरी को हमेशा से ही प्राथमिकता मिलती आ रही है, ऐसा ईश्वर का कहना है। इसे लेकर भी ब्राह्मणों में खासा उबाल देखने में आ रहा है। मेरठ में जो भी बैनर पे होर्डिंग फिलहाल इन दिनों लग रहे हैं, वहां से भी सुनील भराला को गायब कर दिया गया है। सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर सीट पर ठाकुरों के भारी विरोध और जो भी प्रत्याशी भाजपा को हराएगा उसे वोट देने की घोषणाएं पार्टी की पेशानी पर परेशानी की लकीरें खींचती है। ऐसे में यदि उपेक्षा महसूस कर रहा ब्राह्मण वर्ग भी पार्टी से छिटकता है तो यह कोड में खाद जैसा साबित न हो जाए। इसके लिए सुनील भराला को बिजनौर से यहां प्रार्थना बुलाया गया। संजीव बालियान भी लगातार सुनील भराला को यहां बुलाने की पैरवी कर रहे थे और इसका नतीजा यह भी रहा कि सुनील भराला को प्रार्थना योगी की सभा में मंच पर पहली पंक्ति में स्थान दिया गया। यहाँ जहाँ संजीव बालियान को होटिंग का सामना करना पड़ा, वहीं सुनील भराला को भीड़ ने शांति से सुना। इस हालात में रही सही कसर संगीत सोम के इस कथन ने पूरी कर दी कि संजीव बालियान का स्तर नहीं है कि वह उनसे बात करें। दिलचस्प बात यह भी है कि राधना सभा से पूर्व योगी आदित्यनाथ ने संगीत व संजीव दोनों में ही इस जंग को खत्म करने के लिए वार्ता की थी। ऐसा ही मोदी की मेरठ में हुई रैली के दौरान भी हुआ था। सतही तौर पर जहां संगीत सोम ने यह कहा कि जो भी योगी कहेंगे वह करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने संजीव बालियान के स्तर पर जो टिप्पणी की वह समर्थकों के लिए साफ इशारा रही कि वह अपनी लड़ाई जारी रखें, यानी संजीव बालियान का विरोध। और इसके बाद ऐसा हुआ भी। सभा के बाद संजीव बालियान के खिलाफत में जमकर नारेबाजी हुई। गंभीर बात यह भी रही कि योगी के समझाने के बाद भी दोनों के व्यवहार में एक दूसरे को लेकर तलखी में कोई कमी नहीं आई। अपने संबोधन में जहां संजीव बालियान ने सीधे बिना जी आदि संबोधन लगाया, तो संगीत सोम ने संजीव का नाम लेना तक गवारा नहीं समझा, वह भी तब जबकि यह सभा संजीव बालियान के पक्ष में मतदान करने का माहौल बनाने के लिए ही बुलाई गई थी। अब आप देखिए यह फोटो। संगीत सोम ने अपने फेसबुक पर यह फोटो अपलोड किया है। फोटो में मोदी संगीत सोम को लाड़ में पेट पर मुक्का मारते नजर आ रहे हैं, कुछ इस तरह जैसे कह रहे हो मांझा बहुत हो गया। संगीत सोम के हावभाव भी बता रहे हैं कि इस मुक्के ने उनके रोम रोम को प्रफुल्लित कर दिया है। इसके बाद योगी द्वारा दबी हेलीपैड पर समझाना, राधना की रैली में उन्हीं बातों को दोहराना और उसके बाद नतीजा संजीव बालियान मुर्दाबाद के रूप में सामने आना, कहीं ना कहीं यह साबित करने के काफी है कि मोदी योगी एक तरफ और मूछों की लड़ाई एक तरफ। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।